ये सब जानवर को पहली बार मतलब देख रहे हैं भाई। गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे। वापस से एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं अभी हूँ इस टाइम में कोलकाता में, तो क्या नाचो मैं? और जा रहे चिड़िया खाना, कोलकाता का सबसे मतलब बेस्ट चिड़िया खाना जो है वहाँ जा रहे हैं। चल 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 चल, ए गाड़ी स्टार्ट कर, और आप लोगों को दिखाते हैं कि आज की वीडियो में क्या क्या दिखा पाएंगे। तो सबसे पहले बात कर ले हम जाना कैसे। तो अगर आप धर्मतल्ला से जाते हैं तो बस का नंबर है 260 और 230, जो आपको जो चिड़िया खाना के गेट पर ले जाके छोड़ता है। तो आप यहाँ से आराम से पकड़े। वैसे आज देखे भाई ड्राइवर का ये है पूरा दबंग लुक में भाई ड्राइवर। ये देखे आज संडे का दिन है तो काफी ज्यादा भीड़। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं कोलकाता जू, और आपको दिखाते हैं। तो ये कोलकाता जू का पूरा नाम, काफ़ी लंबा चौड़ा है, और अब इसमें जाने का क्या है प्रोसेसिंग उसको कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं और बताते हैं आगे। तो चिड़ियाखाना के अंदर एंटर करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ला के छोड़ देगा बस, 230 और 260 आता है धर्मतल्ला से। और सीधे आप देखेंगे तो ये है टिकट काउंटर, जो कि अभी आज बहुत कम भीड़ है। वहाँ पे लिखा हुआ अगर 5 साल का बच्चा है तो उसका 20 रुपया, और उससे ज़्यादा का है तो 50 रुपया। बाकी अब अंदर की तरफ चलते हैं। बाहर में तो पूरा गदर मचा हुआ, संडे का दिन है ना इसीलिए। ये एंट्री गेट, यहाँ पे चेकिंग हो रहा है। आप कोई भी चीज़ लेकर जा नहीं सकते हैं, खाने का पीने का। लेकर जाना है तो आप जो कागज़ में लेकर जाए, कागज़ का जो प्रॉफी होता है। तो फाइनली आज जो है जू के अंदर में मैं और महताब दोनों भाई आए हैं, और आपको जो सबसे पहले हम जू का टाइमिंग का बात करें, बहुत सारी वीडियो हमने देखा है उसमें टाइमिंग किसी ने नहीं बताया, तो मैं पहले टाइमिंग तलाश रहा हूँ कि क्या टाइमिंग है जू का, फिर आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पे जो है पूरा पार्क का कह लें या फिर जू का कह लें या चिड़िया खाने का कह लें, पूरा मैप्स बना हुआ है कहाँ पर क्या चीज़ है, ये देखें। और यहाँ पर ये दो जानवर, एक हाथी और दूसरा ज़ेब्रा, इसका जो है थोड़ा शॉट लिया जाए। तो अब हम बढ़ते हैं जू की तरफ। जू की तरफ तो आ ही गए, अब जानवरों की तरफ बढ़ रहे हैं, और क्या क्या देखने को मिलेगा और क्या क्या दिखा पाएंगे वो देखते हैं। तो चलो, बहुत देर चलने के बाद अब आ गए हम लोग ज़ेब्रा वाले दिशा में। ये सब जानवर को पहली बार मतलब देख रहे हैं भाई, वरना हमेशा टीवी और फिल्म और LCD पे ही देखा करते थे। बात तो सही है। तो ये देखें, ब्लैक और वाइट, काफ़ी मस्त दिख रहा है बेटा। और पास में आ जाओ थोड़ा, हमारे चाचा है महताब। बहुत सारी जगहों पे हर जगह अंग्रेज़ी में मेंशन किया हुआ, तो समझ में नहीं आता है। अंग्रेज़ी और बंगला, जो कि अपने सर से ऊपर जाता है, ना महताब को समझ में आता है बंगला और ना मुझे। भाई पक्का देहाती हम लोग, और हिंदी जानते हैं और हिंदी बोलना पसंद भी करते हैं। शाबाश बेटा। वैसे अगर इस जू की बात करें तो बहुत बड़ा जू है, चिड़ियाखाना भी बोल सकते हैं, जू भी बोल सकते हैं, चिड़ियाघर भी बोल सकते हैं। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? तो ये है मोर, जो कि भीगा हुआ है, इसका पाँव देंगे कितना मोटा है। अरे कुछ बोल ले, तेरे ताऊ आए हैं महताब। मोर का फोटो इतना सारा लोग ले रहा है ना, जैसे लग रहा साला सेलिब्रिटी है बहुत बड़ा, सब लोग बड़ा बड़ा कैमरा निकाल के फोटो ले रहा है। अच्छा, तो इस जानवर को देखकर बताएं ये है कौन सा जानवर, खच्चड़ है, गधा है, पहचान मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट्स में बताएं। तो ये देखें भाई, महताब बोल रहा है ये हरिन है, लेकिन हम कह रहे हैं ये हरिन का बच्चा है, हिरनी का बच्चा है, सॉरी हिरनी का बच्चा है। और ये गीला शायद पसंद करता है, गीले में रहना, इसीलिए इसके लिए जो है पूरा कादो वगैरह किया हो गया। ये देखें भाई, आपने जो बोर्ड पे देखा वो रियल में भी आप देख लें, वो देखें इसकी स्पीड जो है, मुझे तो पता नहीं, नेट पे सर्च करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा होती है, इसका छलांग भी बहुत लंबा होता है। जू के अंदर में जितने भी चरिंदे परिंदे जानवर हैं ना भाई, अब हम लोगों को फ़ोटो ही नहीं दे रहा है, माता बहुत साइड है। ये देखें,
नहीं अबे हाँ सर अबे वीडियो में जो बोल रहे कम से कम उसको फॉलो करना। चलो आप लोगों को आप मगरमच्छ दिखाते हैं जो कि हम अभी तक नहीं देखे रियल का, और आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे खूबसूरत जानवर ये लग रहा है देखने में बतख। तो इस बोर्ड पे आप लोग देखें लिखा हुआ नीलगाय, और मुझे नहीं पता होता कैसा एग्जैक्ट में, जैसा बोर्ड पे है वैसा वहाँ तो नहीं दिख रहा है। आप लोग कमेंट्स में बताएं या फिर जो है मुझे इंस्टा पे जो फ़ोटो भेजे नीलगाय का। चिड़ियाखाना के अंदर में जो है छोटा छोटा स्टॉल भी है बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन बहुत कॉस्टली होता है, और जो है दूसरी चीज़ आपको बाहर से अंदर लाने भी नहीं दिया जाता है। तो इस जगह को देखें, ये जगह पहले जो है काउंटर था, लेकिन बहुत ज़्यादा रश और भीड़ होने की वजह से काउंटर को जस्ट रोड के साइड में कर दिया गया है, ताकि लोगों को खोजना ना पड़े, बगैर टिकट वाले लोग अंदर ऐसे ना आ पाए। ये हरिन है यहाँ देखें, अरे यार ये कैसा, ये अजूबा हरिन चार सिंह वाला। अरे हमने तो फोकस ही नहीं किया, ये देखें सीसीटीवी कैमरा भी है भाई इसके अंदर में। कोलकाता जू जो है बहुत बड़ा है, लेकिन जानवर बहुत कम है, जगह बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग ये चेक करें भाई, ओ माय गॉड, चेक करें ये जिंदा है कि मरा है यार। ये भाई कितना बड़ा है, ये संगय भी है, हम लोग अपनी जबान में बोलते हैं। ये देखें मगरमच्छ कितना बड़ा है, हर कोई डॉट में है कि ये नकली है, ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, क्या है, लेकिन ये ओरिजिनल है, बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा है। अगर इसके पास जाए तो ये आदमी को सूंघते ही है अपना जो है शरारत चालू कर देगा। तो ये एंट्री गेट, ये देखें ये जिंदा है, ये देखें इसका जो हरकत कर रहा है, ये देखें सांस चल रहा है इसका और ये सांस ले रहा है, मगरमच्छ का बच्चा है ये। और यहाँ पे है सांप। जू का जो मैनेजमेंट करता है ना भाई, बिल्कुल सही नहीं कर रहा, इसलिए कि मिरर्स वगैरह देखें बहुत ज़्यादा गंदा है, वो मिरर्स की वजह से नहीं दिख रहा है बिल्कुल। यहाँ पे मेंशन किया हुआ सांप है, बट दिख नहीं रहा है, इसलिए कि मैनेजमेंट जो है बहुत गंदा है। ये कौन सा जानवर है भाई, ये देखें सब कुछ बंगला में भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है बट समझ नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे सांप है, हरकत नहीं कर रहा है। तो बाकी सांप का जो सेशन था पूरा कंप्लीट हो गया, सांप बास, और अब हम लोग जो है एग्जिट हो रहे हैं यहाँ से वापस बाहर की तरफ। तो चलो सबसे पहले अब हम जो है जू के टाइमिंग की बात कर लेते हैं। तो सुबह ये 9 बजे खुलता है और शाम के 5 बजे तक बंद हो जाता है। 5 साल का बच्चा है तो उसका 20 रुपया टिकट है, और अगर उससे अधिक है, उससे ज़्यादा है तो 50 रुपया टिकट है। लिमिट कुछ नहीं है, आप जितना देर अंदर रह सकते हैं, लेकिन 9 से 5 के बीच में ही रहेंगे। इतना मोटा शीशा दिए हुआ है कि सही से फोटो नहीं आ रहा। ये चीता छोटा है, लेकिन क्या बोला तूने, ये जंगली कैट, ये देखें ये जंगली कैट, वो जा रहा भाई जंगली कैट। ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है जू का जो है ऑफ करने का, तो सब जानवर को जो है ये लोग पिंजरे के अंदर में कैद कर रहे हैं। मगर क्यों, तो हो सकता है बहुत सारे चीज़ों को हम दिखा ना पाए, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं। भालू को मुझे खुद देखना है पर्सनली। चलो शेर को दिखाते हैं, ये देखें यहाँ पे है बाघ, बूढ़ा है यार, इसका छलांग वलांग देखते इसको तो इतना जगह ही नहीं दिया है कि कुछ देखें। देखिए पास में तो आ रहा है, थोड़ा और पास में आ जाए तो नहीं आ रहा है, चलो हटाओ। ये देखें टाइगर, हे हे चला गया बाबा, बे गधा इधर आ सेल्फी लेते हैं तेरे साथ। मस्त जोक मारा रे। ये लोग इतना मजबूत और इतना मतलब डीपली वाला जाली दिए हुआ है कि आदमी के नजर से दिख नहीं रहा है कि वो है क्या चीज, तो कैमरा क्या देख पाएगा। बात तो सही है, इतना मोटा नहीं देना चाहिए भाई, दिखाने के लिए है तो फिर। और कबूतर भी है, ये गेंडा है यहाँ पे, इसको मुझे देखने का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन ये साला बाहर ही नहीं निकल रहा है।
पता नहीं ब्रेकअप व्रेकअप कर लिया गर्लफ्रेंड से या क्या। अरे कहना क्या चाहते हो? अंदर मुंह गोते हुआ शर्म से। इसका ये पसंदीदा पानी ही तो है, इसीलिए ये अंदर ही है भाई। भाई धर लेगा ना। देखो ये महताब से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड मजबूत है। ये देखें इसका लेग्स, देखें भाई कितना मजबूत है। इसका मुंह देखें, एक बार अगर ये मार दे तो भाई बस। एक दूसरा वाला ये आ गया। सबसे बेस्ट पार्ट जो लगा इस जू का वो है इसके अंदर में जेंट्स और लेडीज़ का टॉयलेट भी है, बहुत अच्छा सिस्टम है। हम लोग वहाँ पे गए फ्रेश होकर आ गए, और ये दाढ़ी वाड़ी अभी बनाई नहीं इसलिए इतना बेकार लग रहा है, लेकिन फ्रेश होकर आ गए तो अच्छा लग रहा है। बाकी अब किधर क्या है वो हम लोग तलाश रहे हैं। जो मुझे देखना था ना, पर्सनली बताऊँ तो मुझे भालू देखना है, जो पहले बचपन में देखा करते थे और बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते थे, लेकिन आज जो है दिख नहीं रहा है, कहाँ क्या पता नहीं। भाई कितना विशाल, कितना बड़ा है। इसके अंदर में जो जेबड़ा है ना, शाहरुख खान से भी ज्यादा पोज दे रहा है। क्या बोला तूने? कुछ सेकंड के लिए आ रहा है, दर्शन दे रहा और फिर अंदर चला जा रहा है। और पता नहीं आप महाराज कब निकलेंगे दर्शन देने के लिए। सबसे छोटा जानवर ये रहा भाई, कछुआ। तो फाइनली हम लोग जो है पूरा जू एक्सप्लोर कर लिए, बट अफसोस ये रह गया कि हम लोगों ने एलिफेंट नहीं देखा, दिखा ही नहीं, और कहाँ पे वो है वो रास्ता ही नहीं पता चला, और टाइम अप हो गया। तो फिर एलिफेंट देखने के लिए जो है मुझे आना पड़ेगा फिर कभी इंशाल्लाह। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी 700 होने वाला, 680 सब्सक्राइबर हो चुका है, तो जल्द से जल्द आप लोग जो है 700 करवा दें, फिर उसके बाद 1K करवा दें, फिर उसके बाद वीडियो देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा। अब हम लोग एग्जिट होते हैं। तो अब एग्जिट होने का फाइनली टाइम हो चुका है, और हम लोग एग्जिट हो रहे हैं। एक बार एग्जिट हो गए तो फिर दोबारा एंटर नहीं करने देगा ये लोग, जो पॉलिसी होता है वही होता है भाई। बाकी अब बाहर का जो है फ्रॉड देख लें। अभी हम एक साल से कोलकाता के अंदर में पहली बार देख रहे हैं, सिर्फ दो आदमी के लिए बस आया भाई। देखो पूरा बस खाली है, दूसरा कोई चढ़ ही नहीं सकता आज के डेट में।